How about second part, कैसे करेंगे? बस कर लेते हैं एक एलिमेंट के दो इनवर्स फॉर एक्स वन एक्स टू बी टू इनवर्सेस ऑफ एक्स है कर लेते हैं एक्स के दो इनवर्स इनवर्स में क्या खास बात होती है जी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी ठीक है और इसी तरीके से क्योंकि एक्स टू भी कन्वर्स है यही प्रॉपर्टी जो है वो एक्स टू में भी अब जरा गौर कीजिए मैं लेता हूँ एक्स वन कैन आई से दैट एक्स वन इज सेम एज एक्स वन स्टार ई यही बात है एक्स वन इज सेम एज एक्स वन स्टार ई बिकॉज ई इज आइडेंटिटी ठीक है तो एक्स वन और ई की जगह मैं रख दूँ फॉर एग्जाम्पल क्या रख दूँ ई की जगह मैं रख दूँ x star x2 for example मुझे पता है x star x2 क्या चीज है इट्स एन आइडेंटिटी है इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं सो व्हेन आई रिप्लेस दिस देन हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं एसोसिएटिव लॉ x1 star x star x2 x1 star x क्या चीज ये ई है मैंने पता है क्योंकि इनवर्सल है यू गोना हैव व्हाट ई स्टार एक्स2 देयरफॉर ई स्टार एक्स2 कहां चले काम बंद है जस्ट सेक्रेटरी अराउंड देखें सर फिर दोबारा कहता हूँ हमेशा कहता रहूँगा देखें ऑल दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट जो अब ये ग्रुप की प्रॉपर्टी ग्रुप से चाहे कोई भी चीजों को इस तरह स्टडी करने का क्या फायदा है रादर देन यू स्टडी से फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस सेपरेटली वेक्टर्स सेपरेटली नंबर सेपरेटली ठीक है यू नो सेट्स सेपरेटली व्हेन यू स्टडी फॉर एग्जांपल ग्रुप्स यू आर नॉट स्टडीइंग नॉट ओनली स्टडीइंग बेसिकली यू नो ग्रुप्स बट यू आर स्टडीइंग ऑल दीस थिंग्स अब ये जो ग्रुप है ये सिर्फ ग्रुप में ट्रू नहीं है हर उस सेट में भी ट्रू है जहां पर जिसके पास ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने पहले लिखा था म्यूटेशंस वाला ग्रुप उसके लिए भी ट्रू है कि जिसमें आइडेंटिटी यूनिक होगी ठीक है नंबर्स के लिए आइडेंटिटी यूनिक होगी ठीक है मैट्रिसेस के लिए अगर इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं आइडेंटिटी होगी सो दीज आर नॉट सो यू नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सेट You are talking about a class of sets here, a class of objects. This is what makes it more beautiful and more powerful. बजाय इसके कि आप एक बंदे के बाद में बात करें आप सबके बारे में बात करें जिस जिस में वो कैंसिलेशन लॉ तो आसान होगी क्या कैसे करेंगे कैंसिलेशन लॉ को यानी मैं ये शो करना चाहता हूँ तीसरा बात A star B and A star C implies B of this. Okay, so that's what I would like to show. Can this show for? And मेरे पास है A star B और A star C. क्या करूँ मैं ऐसा कि B C के बराबर आए? Must multiply. Must multiply.
तरफ b किसका इनवर्स मल्टीप्लाई करो, इधर a का अगर राइट से करना चाहते हैं तो b का कर दें, a का इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंड देन अप्लाई एसोसिएटिविटी, एंड देन अप्लाई आइडेंटिटी, एंड देन कैंसिलेशन लॉ आर ट्रू एंड ग्रुप्स हैं, जितने भी किस्म के जो भी ग्रुप्स हैं उन सब में कैंसिलेशन लॉ को है वो ट्रू, ठीक है, दिस वाज समथिंग फ्रॉम योर व्हाट यू से ग्रुप चैप्टर, ये सब की चीजें हैं, छोटी छोटी सी मिसालें हैं, एक तो सिंबल ही इतने लिखता है तो बच्चे ना पहले सिंबल देख के डर जाते हैं, इतने सिंबल फॉर ऑल ही बिलोंग्स टू एंड ही बी कैन गुडनेस, एक और बंदे ने ऑन लास्ट अच्छा मैट्रिसेस के केस में मुझे बताइए फिर ए बी का इनवर्स क्या होता है, फर्स्ट टाइम कैन वी जनरलाइज दिस इन ग्रुप, अदरवाइज क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ए स्टार बी का इनवर्स हो दिस इज सेम एज बी इनवर्स के स्टार ए इनवर्स, ठीक है, रिवर्सल आंसर इज यस, कैसे शो करूँ कैसे करेंगे, कोई चीज है कॉमन, देखें अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर करें ना, ये क्लेम है, क्लेम क्या है कि आप ये हटा दें, अगर मैं ये जो मेरे पास एलिमेंट है ए स्टार बी इसका इनवर्स है ये वाला एलिमेंट, ए स्टार बी का इनवर्स है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है, अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर का या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का इनवर्स प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे कैसे प्रूव करेंगे कि आयोटा जो है वो माइनस आयोटा का इनवर्स है, मल्टीप्लाई कर दें और अगर आइडेंटिटी आ जाए तो आप कहेंगे वो इनवर्स है, और अगर आइडेंटिटी ना आए तो बस नहीं, तो क्या मैं यही कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ए स्टार बी को अगर मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ और अगर आइडेंटिटी आ जाए, अगर आइडेंटिटी आ जाए ये प्रूव हो जाएगा कि ए स्टार बी का जो इनवर्स है वो ये नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको ये बताने की भी जरूरत है, ये जस्ट अप्लाई एसोसिएटिव लॉज, ठीक है, ए स्टार बी स्टार को बी इनवर्स के साथ कंबाइन कर दें, दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएं, बी स्टार इज गोइंग टू गेट कैंसिल एंड गेट आइडेंटिटी, एंड देन ए स्टार ए इनवर्स यू गेट एन आइडेंटिटी, सो यू गेट बेसिकली आइडेंटिटी ऑन द अदर साइड, ठीक है, दिस इज वेरी गुड, सो बेटा नुकता ये है जब अब भी आप थ्योरम बताएं थ्योरम का मतलब जरूर क्या क्या है, स्टार्ट समथिंग दैट वी जस्ट लुक फॉर नथिंग देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट, सो दिस इज समथिंग अबाउट ग्रुप्स, इसके अलावा है कोई चीज फंक्शनल ग्रुप ये देयर सेट्स ऑपरेशन दैट्स इट, खूबसूरत है, बड़ी बड़ाई खुश तरीके से जाती है और खुश लगती है, दूसरा ऑब्वियसली
एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें सोचना पड़ता है, बगैर सोचे ये नहीं। दूसरा किताबों में ना तब कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। यानी एक बच्चा जो फॉर एग्जाम्पल वो खुद उठा के जब पढ़ना शुरू करेगा तो कहेगा क्या मुसीबत है यार, सर सर मैथ्स में नहीं, सारी साइंस में ऐसे है, पूरी साइंस में ऐसे, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी किताबें हमारे ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैथ के नहीं है। आप डी सीरीज की किताबें देखें, आपको लाइफ नजर आती है, हम होते हैं, मिसालें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, अच्छा ये कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, यानी पहले वो आपको महसूस करवाएंगे, ठीक है, मतलब बता भी रहा हूँ तो क्या बच्चे आदि हैं सिंबल्स के? क्या आपने पीछे उनको आदि किया है सिंबल्स का? क्या आप जो बेसिक पीछे मैथ पढ़ा के आए हैं, सर ये फिर भी ये ब्लैक से हाईलाइट करते हैं ना, सिंबल और कुछ भी नहीं, वो भी नहीं करते, वो बिल्कुल डिस्क्रीट से एनालिटिकल पे जाते हैं, डिस्क्रीट से एनालिटिकल पे, डिस्क्रीट पढ़ते हैं या फिर क्लियर से एनालिटिकल ज्यामिति अचानक टपक पड़ते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक थी और थिंग लाइक मैथ कंपटीशन, इसके अगर आप देखें पहले 20-22-23 चैप्टर है, लिटरली ये 23 चैप्टर एक घंटे के लेक्चर में समझाया जा सकता है, एक घंटा काफ़ी है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। बट द ऑथर ऑफ बुक सेज के जी जो एक घंटे में जिनको समझाना है वो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उनकी एब्स्ट्रैक्शन इतनी हाई होगी, इतने मेच्योर होंगे वो एक घंटे में समझ सकते, जबकि जो मेरी ऑडियंस है वो बच्चे नहीं है जिन जो कि इतने मेच्योर हों मैथमेटिकली, ठीक है, इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक छोटे हर छोटी सी छोटी चीज़ पे पूरा चैप्टर, पूरा बहस, तशरीह जो है, गिविंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम। फिर कहते हैं कौन तरक्की नहीं करता, बच्चे फॉर एग्जांपल ये जो खान अकेडमी थी, लेकिन खान अकेडमी का आइडिया जो है ना वो हिट गया था, ऐसा हिट गया कि जस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग, ठीक है, जस्ट चेंज्ड द वे वी थिंक अबाउट द एजुकेशन एक्ट। अब वो कर क्या रहा था, बोले ही वाज अ हेज फंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बंदा था, इंश्योरेंस मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो काम करता था अपना और किसी दूसरे यूएस में, और किसी दूसरे जो है वो यूएस की स्टेट में, तो उसकी को भांगिया भतीजियाँ होती, अब उनको मैथ में बड़ा मसला होता था, यार देसी लोगों की मैथ ठीक होती है, अच्छी होती है, कर देते हैं ना, नहीं मैकेनिकल वर्क कर देते, सोच नहीं लेते हैं, कर देते हैं, ठीक है, एक देसी लोगों की अच्छी बात है। उन्होंने इलाज ये किया, जब वो है तो भी एक बच्चे एक स्टेट में सम्मान दूसरी स्टेट में कैसे पढ़ा, और आइडिया ये दिया उसने कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैं छोटी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं यूट्यूब पर रखूँगा, तो वहाँ से देख लिया करूँगा। अब सलमान की इंटेंट ये थी कि ये मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ और ये जो है ना मेरे भांजे भतीजे थे, उसने शुरू कर दी बनाना चाहिए, अब वो भांजे भतीजों से ज़्यादा और लोगों को पसंद आना शुरू हो गई, वो सारी दुनिया देखने लगी, तो खुद भी नहीं पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंकिंग मैं कोई बड़ी चीज़ इनोवेट करूँगा, जस्ट केम अप विद दिस सिंपल आइडिया, ठीक है, भांजे भतीजों को इस तरह पढ़ा और लोगों को पसंद आए, और इतनी पसंद आई तो फिर तो वो ही बिकम अ वेरी पॉपुलर टीचर आई, और इतनी पसंद आई कि उसने फिर बाकी सारी कंपनी छोड़ दी, जॉब जो करा था वो छोड़ दी, अपनी अकेडमी जो है अपनी कंपनी को दी, खान अकेडमी के नाम से,
और वो इतनी हिट गई हैं कि जो अच्छी खासी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ना, कैम्ब्रिज है, MIT है, आपके पास ऑल दीज बिग यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जायंट्स एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड, देवर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज फोर्स हो गई कि भाई ये जो कर रहे हैं ना खान अकेडमी वाला, ये बहुत इफेक्टिव है, बच्चे सीखते ज्यादा है, अच्छी चीज है, वो अपनी पेस पे सीखते हैं। एक चीज नहीं समझ आती, 10 बार पीछे करके देखेंगे, टीचर तो एक दफा पढ़ा रहे हैं, एक चीज रिकॉर्ड होके आपके सामने है, क्या फायदा, 10 बार देखेगा, बार बार देखेगा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे नहीं, सुबह मैं रात को देर तक जागते हैं, मूवी शूवी देखते हैं, सुबह तो जो है बैठा नहीं जाता क्लास में, सुबह वो कंसंट्रेशन ही नहीं होती, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है, हम अपनी 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 जो है वो अपनी मर्जी से देखेंगे, अपनी अपनी पसंद से, अपने टाइम पर देखेंगे, जब दिल करेगा देखेंगे, जितनी बार दिल करेगा देखेंगे, दिस आइडिया काइंड ऑफ हिट हुआ, ऐसा हिट हुआ कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी जब भाग दौड़ा, कोर्सेरा, मूव, दिस एंड दैट, पूरी दुनिया जो है ना, ठीक है, हम जो है उमड़े वीडियोज बनाए। मेरे वीडियो बनाने के पीछे एक छोटी सी इंटेंट है, इट्स नॉट दैट आई वुड लाइक टू बी पॉपुलर, नॉट दैट मी दैट व्हाट आई वांट, बट एसेंशियली जो मेरे ध्यान में बात है वो ये है कि जो हम हैं ना, हमारे बच्चे हैं, उनका उनकी उनकी ग्रोथ, उनके पढ़ने का स्टाइल एक खास किस्म का है। आप अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप MIT पे देखें कि ये लेक्चर्स मैथमेटिकल थिंकिंग के और यू नो ये कैलकुलस के, लीनियर अलजेब्रा के, मैट्रिसेस के, ग्रुप्स के, आपको समझ नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि वो बंदा जिन बंदों से बात कर रहे हैं वो ऑडियंस ही डिफरेंट है, वो उनको एड्रेस कर रहा है, आपको एड्रेस नहीं कर रहा है। हमें वो लोग चाहिए, ठीक है, हमें जो कोशिश करनी है, जो हमारी कोशिश है वो ये है, हम अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें बनाए, हमारी लोकल जरूरत ऐसी चीजें बनाए कि जो फॉर एग्जाम्पल रेकर्ड पे रहें, ठीक है, ये तो एक दफा फॉर एग्जाम्पल कहानी सुना दी मैंने आपको पूरी, ठीक है, दोबारा ये कहानी कभी फ्यूचर में खुदा ना खास्ता देखना चाहें वो भी जो है अवेलेबल होगा, आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म के यू नो जो टॉप आइडियाज लाने वाले लोग होते हैं ये आपको हमेशा बड़ी यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, वो हार्वर्ड से होगा, वो ऑक्सफोर्ड से होगा, कैम्ब्रिज से होगा, वो MIT से होगा, बहुत रेयर है कि आपको कोई बहुत छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से आनो अब तो सामान क्या बता था, ठीक है, ये जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने सीख लिया, ठीक है, कहीं टीचिंग की आनो ही वो उस माहौल में कैसे ही गॉट अप टू दैट मार्क के लोग जो हैं वो आज भी इंस्पायर होते हैं उससे, आनो इट्स लाइक इट हैपेंस इन सेंचुरीज है, ठीक है, जब वेस्ट में रोज होता है, रोज आपको ऐसे आइडियाज वाले लोग मिलेंगे, रोज आपको ऐसे दिमाग मिलेंगे, तो ऐसी चीज सामने लाएंगे आप दंग रह जाएंगे। वजह क्या है, क्रिएटिविटी सिखाते हैं, क्रिएटिविटी सिखाते हैं, बस कुछ फोकस ऑन, ठीक है, ये नहीं है कि जी यू नो आप फिल्म के समंदर हैं तो बाकी सबको समंदर में डुबो दें, ठीक है, ठीक है, यू नो लेट द स्टूडेंट्स people, those who are learning and listening from you, have their opportunity to explore things. एक बच्चा एक चीज को तब बहुत अच्छे से समझ सकता है
जब आप जब वो चीज को खुद एक्सप्लोर करेंगे, जब वो चीज को एक्सप्लोर करेंगे, देखें ना, एक है ना सीखना सिखाना और एक है एक्सप्लोर करना। वो चीज आप एक्सप्लोर करते हैं ना वही भूलती चलेगी, वो हमेशा रहती है। और उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप और फुल्ली अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉट पार्शियल आर में भी जितना टीचर ने बताया उतना ही समझिए। देयरफॉर यू सी दैट के लिए जो अच्छी किताबें लिखी होती हैं उसमें वो एक्टिविटीज ऐसी छोटी छोटी सी देंगे, आप देंगे अच्छा ये बना लो चार्ट और फिर इन सवालों के जवाब ढूंढो, आप डू दिस एंड इन सवालों के जवाब ढूंढो। लाइक पहला पहली अटेम्प्ट जो है वो बच्चों के लिए है, यू नो दीज बुक्स द गुड टीचर्स, ठीक है, टेक एज अच्छा एक चीज़ अगर आपने समझनी है पहली बार तो एक्सप्लोर करें रादर देन यदि आप बताएं उनको कि अच्छा स्टार बन रहे ऑपरेशन होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है। एक्सप्लोरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ रोज एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करना सिखाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में, एंड देन यू ऑफन सी के जी यू नो पीपल अब हम क्या करें। अब दो चीजें हैं, या तो हम उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, ठीक है, दूसरा ये है कि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे वहां से सीखें, और जो फिर उन्होंने जो वहां से सीखते हैं जो आप वहां से एक्सप्लोर करके आते हैं वही चीजें हम यहाँ इन करके लिख रहे हैं, वही प्रैक्टिस यहाँ इन करते हैं। चले अगर हम वहाँ पहुँच नहीं सकते तो वो एनवायरनमेंट हम यहाँ कोशिश करेंगे पैदा करने की, जहाँ पर बच्चों के पास स्पेस हो डील करने की, जहाँ पर सवाल पूछने पर आके ना दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पर सवाल पूछने पर स्माइल्स हो, जहाँ पर क्लासेस में लाफ्टर्स हो, ठीक है, जहाँ पर जो है इंजॉय करें हर चीज़, एक फैक्टर आ जाए जॉय का फैक्टर, joy of exploration, joy of learning, joy of doing something important. The joy drives everything. You want to do it. समझ आ रही है बात? आवाज़ भी उधर दी है। क्या तो मत खाएं दो। क्या तो मत खाएं दो। पर उसका तो लगे ही ना तो। सब चीज़ें जो हैं सब चीज़ों को समझेंगे ये आपके आपकी जो की जो कॉन्शियसनेस है उस पर दस्तक समझ हो सकता है किसी की कॉन्शियसनेस किसी का सोचने समझने का अमल जो है वो जाग जाए, कोई तैयार कर ले कि बस आज से ये करूँ, फिर जो टूटा बूटा होगा जो होगा वो बस आप गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, जितनी मुश्किल आप देखेंगे लेकिन आप डू थिंग्स करेंगे, ठीक है, शुक्रिया। देखते बाद